सीवर की समस्या से पिछले 10 दिनों से परेशान वाराणसी जिले के भेलूपुर थाना क्षेत्र के खोजवा वार्ड की किरहिया चुंगीती रहा और आसपास के लोगों ने रविवार को पार्षद पति और जेई को बंधक बना लिया। इस बात की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और लोगों को समझा बुझाकर सीवर समस्या शीघ्र दूर कराने का आश्वासन देकर बंधकों को मुक्त कराया। आपको बता दें कि खोजवा वार्ड की किरहिया चुंगी तिरहा व आसपास के क्षेत्र की सड़क पर लगातार सीवर का गंदा पानी बह रहा था। लोगों को उसी से होकर आना जाना पड़ता है। इसके अलावा दुर्गंध से लोग परेशान हैं और संक्रामक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। इस समस्या के लिए लोगों ने पार्षद और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, महज आश्वासन मिलता रहा। समस्या का समाधान न होने से नाराज लोगों ने रविवार को पार्षद पति अशोक सेठ और गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई के जेई के वर्मा को बंधक बना लिया। इसके बाद नारेबाजी करने लगे। कुछ देर बाद इसकी सूचना गंगा प्रदूषण इकाई और पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो सीवर की समस्या देख उन्होंने नागरिकों की नाराजगी को जायज माना, लेकिन पुलिस ने कहा कि क्या उचित प्रक्रिया अपनाकर समस्या से निजात मिल जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी से वार्ता हुई तो जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन मिला। तब जाकर पार्षद प्रतिनिधि और जेई बंधन मुक्त हुए। नागरिकों का कहना है कि यदि शीघ्र समस्या का निदान नहीं हुआ तो अब की चक्का जाम करेंगे। हम लोग ऑनलाइन कंप्लेन किए विधायक महोदय के आगे, हर जगह अधिकारी को एप्लीकेशन दिए और भैया भी बहुत मेहनत किए, इनकी कोई गलती नहीं है। इनको इसलिए हम लोग बैठाए हैं, इनके जरिए इनके अधिकारी लोग आए, बड़े नेता लोग आए, विधायक महोदय भी नहीं आए, ना कोई बड़े अधिकारी आ रहे हैं। जेई को बंधक बनाएगा, यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं। 10 दिनों से सीवर की समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा है। नगर निगम कहता है मेरा ही नहीं क्षेत्र है, जल निगम कह रहा है मेरा नहीं है, गंगा प्रदूषण का गंगा प्रदूषण बोलता है मेरे फंड में पैसा नहीं है। तो भाई किसकी काम हुए खराब है, इनकी कोई दोष नहीं है। हम लोग तो सिर्फ इनको इसलिए बंधक बना के रखे हैं कि कम से कम इनके अधिकारी लोग आवे, हम लोग से वार्तालाप करें। पिछले 10 दिनों से यहाँ पे नाला और सीवर की समस्या है, पिछले 10 दिनों से, और हम लोगों ने लिखित भी शिकायत किया, ओरल भी बोला, जल निगम, गंगा प्रदूषण के यही तो बोलने कि हमारे पास बजट नहीं है। अब बताइए, जेई को फ़ोन किया, एई को फ़ोन किया, SCM को फ़ोन किया, गंगा प्रदूषण जो ये लाइन जो है जल निगम और गंगा प्रदूषण की, ये हाथ खड़ा कर चुके हैं, बोले इसमें है नहीं मेरे पास पैसा। अब ये सीवर सफाई करने के लिए पैसे की जरूरत इनको पड़ रही है और 10 दिन से यहाँ की जनता परेशान है, घुटना भर पानी हो जाना है। दूसरी ओर महापौर से जब इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने जल निगम को इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार माना। ये हम लोग संज्ञान में है, माननीय पार्षद लगातार 3-4 महीने से इस विषय को उठा भी रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे पाइपलाइन है वो जल निगम और गंगा प्रदूषण का है। उन लोगों को बार बार कहने के बाद वो लोग काम पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारे पार्षद गए थे स्थानीय, हमारे पार्षद प्रतिनिधि, तो उन्होंने विषय को उठाया है और हमें लगता है जल निगम कल के अधिकारी गए हैं और काम चालू हो गया। क्या वजह 10 दिन से लगातार लोग शिकायत करते रहे, आज बंधक बनाया गया? ये जल निगम और गंगा प्रदूषण की कमी है। बार बार हमारे अधिकारियों को भी हम लोग संज्ञान में इस विषय को दिए हैं, फिर भी जल निगम और जल कल गंगा प्रदूषण उसको ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कि लोगों में समस्या। कार्रवाई आपकी तरफ की जाएगी? हम लोगों ने अपने नगर आयुक्त को भी बोला है, अपने नगर आयुक्त को भी बोला है, जल निगम हमारे जल कल के GM को भी बोला गया है, तो उन लोग से बातचीत करके जो दोषित विभाग हैं, 200 अधिकारी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। लापरवाही है, ये है, ये जल निगम का सरासर लापरवाही है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर कोई विषय हो तो उनको बताना चाहिए, ये विषय भी नहीं बताते हैं, काम भी नहीं करते हैं, ये घोर लापरवाही का विषय है।